वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तथा मुगलों के बीच 1852 ईस्वी में दिवेर का भयंकर युद्ध हुआ था। दिवेर राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। हल्दीघाटी युद्ध के ठीक 6 साल बाद दिवेर का युद्ध हुआ था। मुख्य रूप से इस युद्ध में योगदान महाराणा प्रताप, अमर सिंह तथा भामाशाह चुंडावत सख्तावत, सोलंकी पड़ियार तथा रावत शाखा के राजपूतों का और साथ ही बिल्लू राणा का था। कुंवर अमर सिंह भी महाराणा प्रताप की तरह ही बड़े योद्धा थे, जिन्होंने मुगल सेना अधिकारी सुल्तान खान को घोड़े समेत एक ही वार में चीर दिया था। इस युद्ध में अकबर की सेना को मेवाड़ से 36 चौकियों समेत खदेड़ दिया गया था। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स स्टोन ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं दिवेर, जहाँ बनी हुई है महाराणा प्रताप की विजय स्थली। हेलो दोस्तों, खमागणी जय महाराणा प्रताप की। तो आज मैं आ गया हूँ दिवेर, जहाँ पे महाराणा प्रताप की विजय स्थली बनी हुई है। ये देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, महाराणा प्रताप विजय स्थली स्मारक मेवा का मथरा। ये इस जगह महाराणा प्रताप की 65 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे 57 सीढ़ियाँ है लगभग, जो महाराणा प्रताप की उम्र जो थी उसके हिसाब से बनाया गया। ये मैं मेन गेट पे हूँ, तो यहाँ से अंदर चलते हैं और मैं सारी जानकारी आपको देता हूँ। दोस्तों, गेट के अंदर आने के बाद आपको 10-10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है पर मेंबर। ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है ओपन जिम और इस साइड है चाय नाश्ता कैंटीन सेंटर, और यहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे अपन सीधा ऊपर की ओर। तो दोस्तों, वहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे चढ़ना पड़ता है और यहाँ पे लगी हुई है अगर सीढ़ियाँ भी है वो भी चढ़ सकते हैं आप। और पीछे देखिए, काफ़ी हरियाली, खूबसूरत नज़ारा। फाइनली लगभग पास में आ ही गए हैं, देख लीजिए, ये देख लीजिए महाराणा प्रताप विजय स्थली। अब यहाँ पे जाके अच्छे से देखेंगे कैसे क्या बना हुआ है, और लग रहा है ऊपर जाने के बाद व्यू बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर पहली बार पधारे हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन भी दबाना पड़ेगा। कुछ इस तरह के फर्स्ट नज़ारा होता है यहाँ पे उधर से आते हुए चढ़ते टाइम। अब यहाँ से चलेंगे ऊपर की साइड, और किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। कैमरे वैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ, तो ये गुटखा वुटका जो भी गलत चीज़ें खा के आने का ये यहाँ पे नहीं करें। एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको सजो के रखना अपना काम है। मेन गेट जो ऊपर आते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का है, और ये देखिए विजय स्मारक दिवेर का लोकपर्ण, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण 10 जनवरी 2012 को किया गया था। और इसका जो अनावरण किया गया था श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा किया गया था। फाइनली उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे विजय स्थली बनी हुई है। तो पहला कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अंदर ये गेट लगे हुए हैं और चारों तरफ अच्छे से खुला खुला वातावरण है, चारों तरफ मस्त यहाँ पे बनी हुई है। सारी जानकारी दे रखी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि